नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज। मैं राशिद अली, स्वागत है आपका वैदिक खास प्रोग्राम में। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसे देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर इस खबर में ऐसा क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये खबर है गुजरात से, जहां पर एक सनसनी फैला देने वाली खबर ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। आखिर इस खबर में ऐसा क्या है, खबर का शीर्षक अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि आखिर खबर में कहीं ना कहीं कुछ तो जान है और कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। क्योंकि जब इतनी बड़ी बात उठती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, वो कारण राजनीतिक हो या उसके पीछे कोई और कारण हो, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कारण बड़ा है और कहीं ना कहीं जो किसी घटना को अंजाम देने से पहले जो भांप लिया जाता है, बस ये वही है। और अच्छा हुआ है जो सामने आ गया। और मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस खबर में है क्या। गुजरात में सीनियर अफसरों का व्हाट्सएप चैट वायरल, जिग्नेश को एनकाउंटर का डर। आखिर ये किस सीनियर अफसरों की व्हाट्सएप चैट वायरल की बात कर रहे हैं और जिग्नेश को एनकाउंटर का डर क्यों, आखिर ये क्यों निशाने पर है जिग्नेश। आपको पता होगा कि जिग्नेश गुजरात के वड़गाम से विधायक हैं, दलित नेता हैं और ये युवा नेता हैं जो कि पहली बार खड़े हुए और पहली बार में इन्होंने जीत का परचम लहराया और एक महापर इतिहास रचने वाले ये नेता रहे हैं। अब समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, दलितों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जीते हैं तो कहीं ना कहीं जनता ने इन्हें चुनकर भेजा है। मैं आपको बताता हूं आखिर इसके पीछे राज क्या है। गुजरात के दलित नेता और वड़गाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी ने राज्य की पुलिस से अपनी जान को खतरे की आशंका जाहिर की है। दरअसल मेवाणी ने कुछ सीनियर पुलिस अफसर के बीच कथित व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर संदेह जाहिर किया है। क्या गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को अपनी सुरक्षा में उन्हें कुछ संदेह है, क्या उन्हें कुछ आशंका है कि जो सुरक्षा है उसे उसमें कुछ कोताही बरती जा रही है। मैं और आपको बताता हूं, गौरतलब है कि शुक्रवार को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर गुजरात के कुछ पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत तेजी से वायरल हुई। इस व्हाट्सएप ग्रुप से कोई सीनियर पुलिस अफसर और मीडिया कर्मी जुड़े हुए हैं। वायरल हुई चैट में दो वीडियो भी शामिल है और ये दो वीडियो कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूं। एक वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी नेता जैसे लग रहे एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बदमाशों के एनकाउंटर से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन व्हाट्सएप चैट में आखिर आगे क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर शुक्रवार को यह दोनों वीडियो अपलोड होने के बाद अहमदाबाद रूरल के डिप्टी एसपी ने एक टेक्स्ट मैसेज किया। उन्होंने लिखा, जो पुलिस का बाप बनना चाहते हैं और पुलिस को लखोटा कहते हैं और जो पुलिस वालों का वीडियो बनाते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उन जैसे लोगों से पुलिस ऐसा ही व्यवहार करती है। हिसाब बराबर गुजरात पुलिस। ये डिप्टी एसपी की शब्द हैं, डिप्टी एसपी के शब्द हैं जो उन्होंने मैसेज के थ्रू लिखे हैं। क्या इस तरह की मैसेज और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एक डिप्टी एसपी को शोभा देता है? और आखिर ये मामला वहाँ पर हंगामा मचा हुआ क्यों है, आखिर क्यों वहाँ पर ये ऐसा है, मैं आपको बता दूँ। एक नामी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जिग्नेश के हवाले से कहा गया कि यह गंभीर मसला है। दो सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। जिग्नेश ने कहा कि वह डीजीपी, गृह मंत्री और गृह सचिव से इसकी शिकायत करेंगे। गौरतलब है कि बीते 18 फरवरी को दलित कार्यकर्ता भानु वणकर की मौत के बाद आयोजित अहमदाबाद बंद के लिए धरना देने जा रहे जिग्नेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उस समय जिग्नेश और पुलिस अधिकारियों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में जिग्नेश पुलिस वालों से कहते नजर आ रहे हैं कि यह आपके बाप की जागीर नहीं है। इतना ही नहीं, हिरासत में ले रहे सादी वर्दी वाले एक पुलिसकर्मी के लिए जिग्नेश ने लखोटा शब्द का भी इस्तेमाल किया। जिग्नेश ने शुक्रवार को ट्वीट कर अपनी जान को खतरे की आशंका जाहिर की है। उन्होंने एक गुजराती वेब पोर्टल का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि दो पुलिस अधिकारी आपस में मेरा एनकाउंटर करने को लेकर चर्चा करते पकड़े गए हैं। वहीं अहमदाबाद के एसपी रूरल का कहना है कि उन्होंने कहीं से आए मैसेज को सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया है और उनके मैसेज का गलत मतलब निकाला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ना तो यह व्यक्तिगत मैसेज है और ना ही किसी को किसी की तरह की धमकी। आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर अब सीधे सीधे एसपी को भी इसमें दोषी करार नहीं दिया जा सकता। एसपी अगर उनकी पक्ष उनका पक्ष देखें तो वो ये साफ कह रहे हैं कि मैंने ये मैसेज नहीं लिखा, ये कहीं से आया है और इसे फॉरवर्ड किया है और ये किसी प्रकार की किसी को कोई धमकी नहीं है। तो वहीं आपको बताऊं कि आखिर बीते 18 फरवरी को वहां पर हुआ क्या था, क्यों वहां पर बंद का ऐलान किया था, क्या ऐसा वहां पर मंजर हो गया था, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। थानगढ़ और ऊना में दलित उत्पीड़न की घटना के बाद पाटन में दलित सामाजिक कार्यकर्ता के आत्महत्या ने गुजरात सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी व कांग्रेस विधायक नौशाद सोलंकी की धरपकड़ से नाराज दलित युवकों ने कई जगह हाईवे जाम कर दिया तथा आगजनी भी कर दी थी। मेवाणी ने रविवार को अहमदाबाद व गांधीनगर बंद का ऐलान किया था। पीएम मोदी की अहमदाबाद यात्रा से पहले दलितों के आंदोलन से सरकार व प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दलितों को समाज की ओर से आवंटित जमीनों के पट्टे व कब्जे दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता भानुभाई वाडकर की मौत के बाद रविवार को अहमदाबाद व गांधीनगर बंद के ऐलान के बीच दलित व पुलिस के बीच टकराव की घटनाएं हुई। निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी व कांग्रेस विधायक नौशाद सोलंकी की धरपकड़ से नाराज दलित युवकों ने हाईवे जाम कर दिया था और कई जगह आगजनी भी की। वहीं मृतक भानुभाई वाडकर की पत्नी इंदु बेन ने मेवाणी व अन्य दलितों की रिहाई की मांग की है। चार दिन से उपवास कर रही इंदु बेन की रविवार को हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने उनकी जांच की। मृतक सामाजिक कार्यकर्ताओं के भाई मनोज वाडकर ने उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के समाधान के फार्मूले को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि सरकार को दी गई पांचों मांगे स्वीकारे तथा विधायक जिग्नेश व नौशाद सहित गिरफ्तार किए गए अन्य दलित नेताओं को रिहा किया जाए। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार नहीं मानी तो और कई युवक देहत्याग को तैयार है। इतना ही नहीं, आपको आगे बताते हैं कि अल्टीमेटम के बीच गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने गांधीनगर में गृह मंत्रालय व विभाग के आला अफसरों के साथ बैठक कर राज्य में शांति व कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उधर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त जेके भट्ट ने बताया कि हिंसा व आगजनी को देखते हुए पुलिस ने मेवाणी से जांच में सहयोग मांगा, लेकिन वह मदद नहीं कर रहे, इसलिए उनकी धरपकड़ करनी पड़ी। मेवाणी अहमदाबाद के सालंगपुर में पत्रकार वार्ता में जा रहे थे, तभी पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई। इस बीच उन्होंने पुलिसकर्मी को अपशब्द भी कहे। तो वहीं सोमवार को गुजरात विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिन की यात्रा पर गुजरात आ रहे हैं। वह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ IIMA व गांधी आश्रम जाएंगे। उनकी यात्रा व विधानसभा में बजट सत्र के एक दिन पहले दलित आंदोलन के चलते सरकार व प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार किसी भी तरह दलित आंदोलन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन दलित युवकों ने विधायकों की गिरफ्तारी ने इसमें पेच फंसा दिया था। तो देखा आपने कि किस तरह से वहां पर, हमने आपको बताया कि वहां पर आखिर क्या हो गया था और किस तरह से वहां पर हंगामा मचा और दलित नेता जो कि जिग्नेश मेवाणी को पुलिस ले जा रही थी और इस प्रकार उन्होंने ही ये कहा था कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, और एक सादी वर्दी में जो पुलिस वाला जो कांस्टेबल ले जा रहा था उसको भी उन्होंने बोला कि लखोटा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया कि गुजरात में सीनियर अफसरों का व्हाट्सएप चैट वायरल और जिग्नेश को एनकाउंटर का डर है, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ जाहिर होती है कि प्रशासन ऐसे कैसे कर सकता है। एक विधायक, एक लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए, एक लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व को चुने गए, जिसने जो लोगों द्वारा बनाया गया हुआ है, आखिर उसको ऐसा प्रशासन की ओर से ऐसा क्यों बोला जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक झूठा आरोप है, सिर्फ एक खबर के मुताबिक अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाना तो वो भी सही नहीं है। लेकिन अगर देखे कि जिग्नेश को आखिर क्यों डर सता रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सभी पक्ष देखने के बाद ये लगता है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों है, क्या कहीं से फॉरवर्ड मैसेज आया है और जो एसपी ने फॉरवर्ड किया है या उनके फ़ोन से नहीं किया गया, जांच का विषय है। और यह भी जांचना चाहिए कि आखिर पुलिस अधिकारी जो दो पुलिस वाले बात करते दिखे हैं,
आखिर उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसा वाकई में सही में है, क्योंकि किसी भी मामले में जांच से पहले कोई निर्णय लेना गलत है और किसी पर आरोप भी लगाना गलत है। आरोप लगना अलग बात होती है और आरोप साबित होना ये अलग बात होती है, क्योंकि जब ऐसे मामले होते हैं तो कहीं ना कहीं निशाना जो है, कहीं ना कहीं शक जो है वो सभी पर मंडराया होता है, लेकिन ये साबित होना भी जरूरी है आखिर इस मामले में कौन दोषी है, तो उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और ना कि ये कि अब जिग्नेश मेवानी ने इतना बड़ा आरोप लगाया तो है, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर इस मामले में आगे होता क्या और कौन इस मामले में दोषी होता है या सिर्फ ये महज अफवाह है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.